हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति क्या होती है या फिर अक्ष रेखा पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव मतलब कोई एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें दो चार्ज, मतलब दो विपरीत चार्ज हो, मतलब दो विपरीत चार्ज बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों, उसी को हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कि कोई ऐसा छोटा सा रॉड है, एक तरफ हम लोग का धनावेश रखा गया, दूसरी तरफ ऋणावेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, तो इस कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग ले लिए हैं, एक माइनस है दूसरा प्लस है, ये हम लोग द्विध्रुव है। ठीक है, अब इसी के अक्ष पर, मतलब इसी के अक्ष को हम लोग और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेते हैं। अब इस P बिंदु पर हम लोग ये निकालेंगे कि इस Q के कारण, मतलब माइनस Q के कारण इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या फिर इसकी तीव्रता क्या होगी। यहाँ पर हम लोग का प्लस जो Q है, इसके कारण इस P पर कितनी तीव्रता होगी, हम लोगों को बस यही निकालना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखे हैं कि माना कोई बिंदु किसी द्विध्रुव AB से अक्षीय स्थिति पर केंद्र O से, ये केंद्र है हम लोगों का, दोनों द्विध्रुव का केंद्र है। ठीक है, यहाँ से जो है R दूरी पर P बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, अब बिंदु P पर माइनस Q तथा प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है। मतलब माइनस Q और प्लस Q के कारण इस बिंदु पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। यदि बिंदु P पर माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र E1 हो तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E=1/4π0Q/R². ठीक है, सो हम लोग वही करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग का ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इस माइनस क्यू के कारण इस पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम लोग वही फार्मूला रख देते हैं, E1=1/4π0Q/R, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है AP है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको AP² रख देंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी AP है, तो इसके कारण इस पर तीव्रता निकालनी है, तो इस यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग रखेंगे AP, और यहाँ की दूरी क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है कि ये डिस्टेंस D है, यहाँ से ये डिस्टेंस D है, दोनों को मिलाकर हम 2D भी कह सकते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस R है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस R में इस D को जोड़ देते हैं तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकल जाएगी, तो हम लोग वही करते हैं R+D। ठीक है, R+D² ओके, एंड दिस इज द, मतलब ये हम लोग A के कारण, मतलब माइनस Q के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है, अब ऐसा ही हम लोग दोबारा करते हैं, बिंदु P पर प्लस Q के कारण इस बिंदु के का इस आवेश के कारण इस पर क्या तीव्रता होगी, प्लस क्यू के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का E2 बराबर हो जाएगा 1/4π0Q1Q2Q/BP², यहाँ से जो डिस्टेंस है B से P है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, तो BP² ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इससे यहाँ की दूरी जो है R है, अगर हम लोग इस R में से इतना कम कर देते हैं, मतलब R माइनस, मतलब अगर R में से हम लोग माइनस कर देते हैं D को, तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो वही करते हैं, R में से D को माइनस कर देते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा, इसकी जगह पर हम लोग लिख देते हैं R-D² तो ये हम लोग का इस माइनस क्यू के कारण तीव्रता हो गया और ये प्लस क्यू के कारण तीव्रता हो गया। अब हम लोग परिणाम ही निकालते हैं, दोनों आवेशों के कारण कितनी तीव्रता हो रही है, तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे परिणामी मतलब ये ज़्यादा दूर है ये कम है, तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि E2-E1 कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल परिणामी मतलब E2-E1, तो हम लोग क्या कर देते हैं, पहला इक्वेशन जो है और दूसरा इक्वेशन, मतलब पहले दूसरे इक्वेशन से पहले इक्वेशन को घटा देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं E2 की वैल्यू और यहाँ पर रख देते हैं E1 की वैल्यू और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 1/4π0 इसमें भी है, 1/4π0 इसमें भी है, तो हम दोनों को कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, दो Q/4π0 को कॉमन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ अंदर बचेगा क्या, 1/R-D² - 1/R+D² ओके। अब यहाँ पर हम लोग वज्र गुणन करते हैं, त्रिक गुणन, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो R+D² हो जाएगा, ये R-D² 1 से मल्टीप्लाई होगा,
तो ये हो जाएगा अपान, ये आर माइनस डी का स्क्वायर है, मतलब आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले प्लस है, तो यहाँ पर प्लस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं, 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 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर फोर होता है, तो ये फोर हो जाएगा। बस वही किया गया है, यहाँ पर आर की पावर फोर हो गया है प्लस डी की पावर फोर हो गया है, ओके। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए हैं, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए हैं। ये माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस टू ए बी होता है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर होता है वो माइनस का मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कट रहे हैं उसको काट देते हैं, जैसे ये आर स्क्वायर देखिए कट रहा है, इसको काट देते हैं, ये डी स्क्वायर कट रहा है, इसको भी काट देते हैं, लेकिन ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये टू आर डी, टू आर डी कितना हो गया, फोर आर डी, ठीक है। ये क्यू अपन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो वैसे ही रहेगा, अपन फोर आर डी, सॉरी अपन नहीं, फोर आर डी अपन आर स्क्वायर आर की पावर फोर प्लस डी की पावर फोर यहाँ पर रख दिए। अब जैसा कि हम लोग द्विध्रुव को जानते हैं, द्विध्रुव मतलब होता है कि मतलब कोई एक दो दो विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, मतलब एक माइनस क्यू हो और प्लस दूसरा प्लस क्यू हो, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है पी इज इक्वल टू हम लोग का क्यू टू डी, ठीक है। ये हम लोग दूसरी वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कैसे होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है पी का होता है टू क्यू टू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, वैध द्विध्रुव का। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये फोर क्यू तो है, ठीक है, क्यू है, अब टू टू भी है, इसमें टू निकाल लेते हैं हम लोग, और डी डी भी है, तो हम लोग क्यू टू डी की जगह पर पी रख सकते हैं, तो पी रख दिए। अब यहाँ से टू निकला है तो ये यहाँ पर टू बचेगा, ठीक है, क्यू चला गया, टू और क्यू टू डी की जगह पर पी बचा क्या, आर, आर भी रख दिया, फोर फाइव सेवन जीरो आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो हम लोगों का डी है, डी यहाँ पर जो ये डी है, दिस इज़ द वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होता है आर के मुकाबले में, ठीक है, आर के मुकाबले में बहुत कम होता है, इसलिए ये डी को हम लोग पूरी तरह नेगलेक्ट कर देते हैं, तो डी इज़ नेगलेक्टेड। नाउ अब हम लोग के पास क्या बचा, केवल आर की पावर फोर, ठीक है, तो आर की पावर फोर में से हम लोग एक आर को भी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से एक आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ई इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू टू पी अपान आर क्यूब, एंड दिस इज परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम लोगों का ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, धन्यवाद।